और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे काले सोने की। भीलवाड़ा जिले में अफीम की खेती करने वाले किसान जमकर मेहनत कर रहे हैं। किसान निराई गुड़ाई में व्यस्त हैं, जिससे खेतों में लगा काला सोना लहराने लगा है। पिछली बार मौसम की मार इन किसानों को झेलनी पड़ी थी, किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। किसानों की मांग है कि सभी अफीम किसानों को CPS पद्धति पर ही आगे भी लाइसेंस दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। अफीम की खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्की आदि देशों में होती है। भारत में अफीम की खेती राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोई जाती है। अफीम की खेती करने के लिए सरकार के नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। अफीम के पौधों से अहिफेन यानी अफीम पौधे का दूध निकलता है, जो नशीला होता है। अफीम की खेती की ओर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। वजह है बहुत ही कम लागत में अच्छी कमाई होना। अफीम की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक की जाती है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के सवाईपुर क्षेत्र के बड़ला, बनका खेड़ा, दसाड़िया का खेड़ा, सोपुरा, सालरिया, खजीना, होलीरड़ा, जितियास गांवों में अफीम फसल की बुआई की गई। इन दिनों किसान अफीम की फसल निराई गुड़ाई कर खरपतवार को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि इस बार बारिश और तेज धूप की मार देखने को मिली, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसानों ने 3 से 4 बार तक अफीम फसल की बुआई की, तब जाकर अफीम के पौधे बने। वहीं इस बार जिले में CPS पद्धति से भी अफीम की बुआई की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने इस बार जिले में 5,601 पट्टे डोडा पर चीरा और लुवाई के और 287 पट्टे CPS पद्धति के जारी किए। भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष 560 हेक्टेयर में बुआई हुई है। भारत सरकार ने देश की आवश्यकता को पूरी करने के लिए CPS पद्धति के ऊपर भी लाइसेंस जारी किए। इसकी नीति अलग से जारी की। पहली बार भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष 287 किसानों को CPS पद्धति पर लाइसेंस मिला है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार की योजना है कि सभी अफीम के किसानों को CPS पद्धति पर लाइसेंस दिए जाएंगे। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि जो भी 1996 से किसान है, अब तक उन सब किसानों को भी पट्टे जारी करे और देश की आवश्यकता को पूरी करे। बहुत से किसानों को 2 बार फसल बुआई करनी पड़ी, तो बहुत से किसान 3-4 बार भी फसल की बुआई कर चुके हैं। 14 और 15 अक्टूबर को बेमौसम बारिश होने की वजह से अफीम फसल उग नहीं पाई थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर मांग की जाएगी कि किसानों को इसमें संबल राहत प्रदान करें। पिछले वर्ष वाली स्थिति उससे भी ज्यादा डामाडोल हो गई। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जो किसानों के पट्टे रुके थे, हुए थे, उसको भारत सरकार ने CPS के ऊपर पट्टे जारी किए। 287 पट्टे जो CPS के जारी हुए, कुल मिला के 5,688 कुल पट्टे जारी हुए। इस बार टेम्परेचर किसानों का साथ नहीं दिया, इसलिए किसानों को दोबारा 3 बार भी मेहनत करनी पड़ी। किसानों को इसमें नुकसान भी हुआ है, उनका खर्चा भी 2-3 बार खर्चा लगा। अब जाके वापस फसल 3-3 बार में वापस अब जाके ठीक फसल हुई है। अब वापस उसकी निराई गुड़ाई चल रही है। अफीम की बुआई हो चुकी है और किसान निराई गुड़ाई में व्यस्त है। और इसमें अफीम हमारे एरिया के अंदर खजीना, बड़ला, सवाईपुर, इन क्षेत्रों में कोरडी एरिया की सबसे अधिक अफीम पैदावार की जाती है। और इस समय अफीम के अंदर कीट मच्छर मोहल्ले की प्रकोप बढ़ने लगा है, तो 2-3 प्रकार की दवाइयां छिड़की जाने लगी हैं। अफीम का बीज बहुत ही छोटा होता है, खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए खेत को 2 बार खड़ी और आड़ी जुताई की जाती ही है। इसी प्रकार अच्छी प्रकार से सड़ी गोबर खाद को समान रूप से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर दिया जाता है।
इसके बाद कृषि कार्य की सुविधा के लिए 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां तैयार की जाती है। गुड़ाई और छटाई की प्रथम क्रिया बुआई के 25-30 दिनों बाद और दूसरी क्रिया 35-40 दिनों बाद रोग कीट ग्रस्त और अविकसित पौधे निकालते हुए करनी चाहिए। अंतिम छटाई 50-50 दिनों बाद पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख पौधे लगाते हैं। मिन्ना की एक अमल खुदाई कर रिया, चारों एरियो चारन पाट रिया, पीला पीला गोल भी फुट रिया मिन्ना। अच्छा, ये रोग भी एरियो फुट रिया कोई कोई गोल। हाँ, ये बारिश की वजह हो या फीम तो नष्ट होगी, दोबारा भाई फेर भी नष्ट होगी, तीसरा भाई हो रही जी का मैंने भाई जो आदि तो उगीर आदि ने उगीर या फायर बामली छोटी छोटी है या जो फिर लाइटा टेम की आई कोई ना बराबर जो ये केरो आधो पी दो और ये केरो पूरा पी हुई कोई ना लाइटा काट दे आखो आखो दिन बैठा रहा टायर या चाल की समस्या यार बारिश काफी नुकसान हो गया मैंने। तकरीबन एक बुआई एक महीना हो गया इसको, अभी निराई गुड़ाई का काम चल रहा है, फिर बाद में एक दो बार और इसकी निराई गुड़ाई होगी, साफ सफाई करके फिर इसको पिलाई जाएगी, फिर बाद में एक दो बार और इसकी निराई गुड़ाई होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन अफीम की खेती करने वाले किसानों को क्या सरकारी मदद मिलती है जिसे किसान और ज्यादा मुनाफा कमा सके। दिनेश पारिक के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।